अविदा जी हकीकत क्या है, हकीकत क्या है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? हुआ क्या? मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा कर? तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर, आपको मालूम था? गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। ये क्या घटना हुई, क्या थी, क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? उन्होंने कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसा करूंगा, उन्होंने कहा था। उनको ही सब पता है, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्ची अभी बेकसूर है। जी सर, हमारी सबसे बड़ी मांग है साहब, इस मुलजिम को पकड़ा जाए और इसके तय तक जाया जाए, हमारे इंसाफ दिलाया जाए। इकल्ले का आदमी का काम नहीं है, परिंदर बहुत बड़ा रचा हुआ है, इसके पीछे कौन है, किसने करवाया, क्या है, ये तय तक जाके मुझे इंसाफ चाहिए और इसको फांसी की सजा दी जाए। मुलजिम को, इसके माँ बाप को भी जेल भेजा जाए, इसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और इसको गिरफ्तार करके इसके सब पूछो, इसने कैसा निर्णय, क्योंकि किसे कहने पे की किसने करवाई, ये पीछे कौन है, ये पता लगाइए साहब। जो समाज कहेगा वही सरोपर, 36 कौम हमारे साथ है, जो वो कहेंगे वो होगा। मुलजिम चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। ये की प्लानिंग से है सर, जैसे जैसे हमें ज्ञात हो रहा है कि एडवांस में खाटे को देवे थे, बुलाने की प्लानिंग थी, गहने लूटपाट के होते तो साहब कोस के लेके उसको मार के भगा देते और मारने दादा मार के भी करते थे। बिल्कुल, घटना 30 के रात की है, उसके बाद अगले 3 दिनों में हमने काफ़ी कार्रवाई की है। जितने भी संदिग्ध लोग थे, करीब 18 से 20 लोगों को हमने हिरासत में लिया, सबसे पूछताछ की। प्रकरण में जो मुख्य आरोपी की पत्नी है, जो कि वो अक्यूज है और षड्यंत्र में उसका भी रोल आया है, उसकी हमने गिरफ्तारी की है। जितने भी फोरेंसिक एविडेंस उसके घर से, घटनास्थल से, उसके आसपास से हमने इकट्ठा किया है, ताकि जब एक हमारी पत्रावली बने तो कोर्ट में एक मजबूती से हम अपना पक्ष रख सकें, उस हिसाब से हमने फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं। और जहां तक मुख्य आरोपी जो है गुलामुद्दीन, उसकी गिरफ्तारी की बात है, हमारी टीम लगी हुई है। जैसा मैंने बताया कि हम उसके लोकेशन के बारे में, हमारे पास लीड्स भी है, टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। नहीं, वो तो पड़ोसी थे, मेरा नाम सपना है, ये दोनों पड़ोसी थे। 5-6 साल पहले यहाँ से इन्होंने शॉप हटा दी थी वापस, इन्होंने, इनका क्या रिलेशन था ये मेरे को नहीं मालूम है, ठीक है। बाकी व्यवहार में दोनों ठीक थे, अब कोई अंदर घुस के तो नहीं देख सकता ये इंसान कैसा है। बाकी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था मैडम का। जब आपने सुना कि आपको विश्वास हुआ है? नहीं, विश्वास तो नहीं हुआ सर, दुख बहुत हुआ कि इस लेडी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा व्यवहार था इनका। यहाँ इकट्ठे हुए तेजा हॉस्टल के अंदर और ये तय किया कि ये सरदारपुरा मंडल के अंदर इनका व्यापार था, तो वहाँ के व्यापारियों ने ये तय किया कि कल सरदारपुरा एरिया जो बी रोड और सी रोड का मार्केट है, वो मार्केट बंद रख कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे और गोल बिल्डिंग के वहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा। उसके बाद में कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे और कलेक्टर महोदय से, राजस्थान सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे कि तुरंत प्रभाव से यदि इसमें मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो उसके बाद में कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। और उसके बाद में भी यदि अनिता के परिवार को न्याय नहीं मिला तो जोधपुर बंद करने की ज़रूरत पड़ी तो जोधपुर बंद तक किया जाएगा। जब तक अनिता के परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से जोधपुर के नागरिकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, सर्व समाज 36 कौम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जोधपुर शहर अमन चैन और भाईचारा वाला शहर है और इसके अंदर यदि इसकी दर्दनाक और इतनी घिनौनी हरकत करके जिस तरीके से जो उनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, इसे गंभीरता से लें और ये अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, भविष्य के सुरक्षा के लिए, इस सनातन की रक्षा के लिए आपन सभी को आगे आना पड़ेगा। और आप सभी जागरूक नागरिकों से निवेदन है कि आप जोधपुर के अंदर अमन चैन और भाईचारा रखने के लिए और इस सनातन की रक्षा के लिए आप जागरूक हों और इस हर आंदोलन में आगे आए और अनिता के परिवार को न्याय दिलाने में सहयोग करें, धन्यवाद। अच्छा सर, पुलिस आपसे संपर्क किया होगा या वार्ता के लिए आई होगी, अब तक क्या वार्ता हुई और पुलिस क्या आगे आपको जो है? पुलिस से कल हिंदू संगठनों के सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, सभी इकट्ठे होकर गांधी मैदान से
विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में गांधी मैदान से पैदल मार्च लेकर कमिश्नर तक रैली निकाल कर ज्ञापन दिया था, और उन्होंने सबने यही मांग की थी कि तुरंत प्रभाव से अनीता के जो मुलजिम हैं, हत्यारे हैं, उन हत्यारों को गिरफ्तार करें और कठोर से कठोर सजा दी जाए। तो उस मांग के ऊपर कमिश्नर ने भरोसा और विश्वास दिलाया कि हम शीघ्र ही इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ये गिरफ्तार कर लेंगे, परंतु अभी तक जनता को ये भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक दिन निकल रहा वो भी बड़ी बात है और 5 दिन 6 दिन हो गए आज ये इतनी दर्दनाक घटना को हुए और अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं और अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं पुलिस प्रशासन से आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये समय रहते हुए पूरी तत्परता दिखाकर पूरी ताकत लगाकर ऐसे मुलजिम को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें और उनको सलाखों के पीछे भेजें और कठोर से कठोर सजा दिलाने का सहयोग करें। धन्यवाद।